सिर्फ तेदात नहीं बताई, 50 पर 5,000 उलमा शहादतें पेश की, 55,000। इतने 50 पर 5,000 उलमा शहादतें, जेलों में अंग्रेजों को सिवाय उलमा की कोई नजर नहीं आते थे। काला पानी आज भी है, जाकर पूछो। अंडमान निकोबार के जजीरे आज भी गवाह है, जाकर पूछो। जाकर थाने शरीफ को कोई जानता है? अबुल कलाम आजाद अलैहिर्रहमा को आजादी का लीडर समझ बैठे हैं, आज जवानी महात्मा गांधी को आजादी का हीरो समझ बैठे हैं। इनकी कुर्बानियों का इनकार तो नहीं करूंगा, लेकिन ये ओपनर नहीं। ओपनर कौन थे मैं बताऊं? जाफर थानेसरी को जानते हो? अहमद अली लाहौरी को जानते हो? मोहम्मद अली लाहौरी को जानते हो? हाफिज जावेद शहीद को जानते हो? लाखों के उलमा, हजारों के उलमा, लाखों के मुसलमान इस मुल्क की कुर्बानी, आजादी के लिए कुर्बानियां दी। आज हमको कहते हैं दहशत गर्द, टोपी पहने तो डो, दाढ़ी रखे तो डो, जुब्बा पहने तो डो, पेन रखे तो डो। हमला ताकि करवाती है हमको दिए सो तुम लोग सामान ही नहीं, तुम्हें कर लगो ये सो, हमें क्या करेंगे? हमारे किसी ईद में पटाखा तक नहीं फूटता, हमें बम क्या पड़ेगा? किसी ईद में पटाखा तक नहीं उड़ाते, नहीं उड़ाना पटाखा हमारे धर्म में जायज नहीं है। मुसलमानों धर्म के अंदर जो है वो करो, इस मुल्क ने हमको इजाजत दे रखा है, पटाखा तक नहीं उड़ाते, हम बम क्या उड़ाएंगे? हमारा मदर नींबू काटने की चाकू बराबर नहीं है रे बाबा, कोतिमीर करेपा काटने की चाकू बराबर नहीं है। आंध्रा में एक जलसे को गया मदरसा समंदर के बिल्कुल बाजू, मछली पका कर रखे जबरदस्त, सारी सारी इतनी बड़ी बड़ी मछलियां कुएं पानी आ रही, इतनी बड़ी बड़ी मछलियां। बयान के बाद आपको बैठा अल्लाह ताला मौली साहब को जरा एक्स्ट्रा चला था, समझ में आई बात है? हमारे बड़ों की कुर्बानियों का फल हमें मिल रहा है। आज भी कुछ लोग हमना हमारे मदरसों को हमारे दस्तरखानों को देखे तो इन लोगों को कहां से आकर रखना, वो सऊदी से आता। अरे रुकू सऊदी से नहीं, ऊपर से आता, अल्लाह देकर भेजते हैं। जानते हो महारिम की पूर के मुसलमानों, उलमा के दस्तरखानों की दुआ 1400 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया। मछली सारी सारी खाने के वास्ते बैठा, मछली की खुशूसियत हत्ती पानी में, लेकिन तबीयत में गर्म। खाना का लिमिटेड खाना सो, अनलिमिटेड खा रहे तो इनकम शुरू हो जाता, इनकम शुरू हो जाता। अब उसके वास्ते जरा पेट में ठंडक के वास्ते में बोलिया मदरसे के मोहतरम साहब को, नींबू है क्या भाई? अरे अरे है हजरत, बिल्कुल सारे सारे तीन चार नींबू ला कर रखता है। मैं बोला क्या मच्छी को दिखा को खाना क्या सारे सारे रखे, मैं कैसा खाऊ? अरे अरे चाकू लाओ बेटा, बोलते एक बच्चे को भेदे बड़े चाकू लाया, मैं काट दिया काट दिया। मेरे साथ दो तीन उलामा भी मेरे साथ सफर में आए थे, दो तीन खिलाड़ी बैठे थे, तीन गया तुम अच्छा रखो थे सारे सारे तलको, कितनी बड़ी कड़ी थी मालूम नहीं, देखती थी कि तो अब मैं नींबू काटने का उसको हर मच्छी में से आधा आधा हफ्ते का कट होगा, देखो काट लो काट लो नींबू कट रहा नहीं, नींबू कटने से पहले मच्छी हवा होने को है। ऐसे चाकुआ हीरे बाबा हमारे मदरसों में, तुम्हें जिन मदरसों में चाकुआ बराबर नहीं उन मदरसों में तुम लोग कहा तलाश करना वहां तलाश करो। हमारे मदरसों के दरवाजे 24 घंटे खुले, हमारी मस्जिदों के दरवाजे 24 घंटे खुले।
मोस्ट वेलकम, जब चाहे तब आओ, लेकिन हाथ में रामायण और गीता पकड़कर आओ, कोई आप धोखा तो नहीं करोगे, खुद लाकर रखकर हमारे नाम तो नहीं करोगे। मुझे उम्मीद है जैसे कुरान पकड़ने वाला गलत नहीं करता, रामायण पकड़ने वाला भी गलत नहीं करता, गीता पकड़ने वाला गलत नहीं करता, महाभारत पकड़ने वाला गलत नहीं करता, आओगे तो हमारे मदरसों को, इनको मुकद्दस किताबों को लेकर आना और देखना कि हमारे मदरसों में होता क्या है। किसी शायर ने क्या कहा, वतन के दुश्मनों को हम कभी हमदम नहीं रखते, हम अपने मुल्क से ऊंचा कोई परचम नहीं रखते। सुभान अल्लाह। नाज़िम नौजवान है लेकिन बड़े अच्छे अशआर कहता है, उसके नाम पेश करता हूँ। ऐसे जवानी में ऐसे सब ऐसे बंदर, वतन के दुश्मनों को हम कभी हमदम नहीं रखते, हम अपने मुल्क से ऊंचा कोई परचम नहीं रखते, तलाशी शौक से ले लो हमारे घर मदरसों की, जहां कुरान रखते हैं वहां पर बम नहीं रखते। तो जनाब निजाम मरहूम ने लाल बहादुर शास्त्री साहब को दावत की कि आप फिक्र न करें, मैं चाहूं तो आ जाऊं, लेकिन आप आकर हमारी इज्जत बढ़ाएं। मैं चाहूं तो आ जाऊं, लेकिन आप आकर हमारी इज्जत बढ़ा दे, लेकिन आने का तरीका क्या होगा, चार्टेड बड़ी प्लेट खाली लेकर आए, उसके बाद हम आपकी मेहमान नवाजी करेंगे, तो जाते हुए आप प्लेट में लेकर चले जाना। गर्ज लाल बहादुर शास्त्री साहब चार्टेड और खाली प्लेट लेकर प्लेट्स पायलट और उस साथियों के साथ हैदराबाद बेगमपेट एयरपोर्ट पर उतरते हैं। वो तस्वीरें मेरे पास मौजूद है। निजाम खुद जाकर इस्तकबाल मुल्क के पीएम का करते हैं और लाल बहादुर शास्त्री साहब को अपने महल लेकर आते हैं, खाना वगैरह खिलाते हैं, जो अपने शान के मुताबिक मेहमान नवाजी करने के बाद मुल्क के हालात पर तबादले ख्याल होता है। मुल्क के हालात पर तबादले ख्याल करने के बाद आराम करने के लिए गुजारिश करते हैं कि पीएम साहब आप आराम करें। लाल बहादुर शास्त्री साहब ने फरमाया निजाम से के जनाब मुझे नींद नहीं आती मुल्क की फिक्र में, क्योंकि एक तरफ पैसा नहीं और हमारी फौजी और सिपाहियों की खिदमत करने का हमारे पास खजाना नहीं और मुल्क खतरे में, दुश्मन कर्रा रहता हुआ। निजाम साहब ने कहा आप आराम करें, सुबह को आप इस मुल्क के पहले आदमी होंगे जो सबसे ज्यादा खुश होंगे। रात को लाल बहादुर शास्त्री साहब आराम करते हैं, सुबह को उठते हैं इस उम्मीद से कि निजाम मुल्क की क्या खिदमत करेगा, मुल्क का क्या खिदमत करेगा, निजाम मुल्क की क्या खिदमत करेगा, लिख कर रख लो, रिकॉर्ड कर लो। सुबह को उठने के बाद नाश्ता पानी होने के बाद निजाम साहब लाल बहादुर शास्त्री साहब का हाथ पकड़कर अपने खजाने की तरफ लेकर जाते हैं और कहते हैं कि पीएम साहब हमारी तरफ से एक हतीर तोहफा है मुल्क के नाम। अल्फाज सुनो, हमारी तरफ से एक हतीर तोहफा है मुल्क के नाम। हतीर का माना जो कबूल करने के लायक नहीं, वैसा एक हतीर तोहफा है मुल्क के नाम, अगर आप कबूल कर लेंगे तो ये हमारे लिए इज्जत होगी, इससे भी ज्यादा क्या मोहब्बत चाहिए जो हमारे बड़ों ने की है और उन बड़ों के छोटों के साथ। आज मुल्क में ये कहा जा रहा है कि तुम मुल्क के हकदार नहीं हो और मुल्क से हमारा नाम मिटाने के लिए क्या क्या साजिशें कर रहे हैं, ये नारसी लेकर आ रहे, लेकर आओ जनाब, ये नारसी लेकर आओ कि क्या सियासी लेकर आते हो। खुदा की कसम
ملک سے ہمارا نام قیامت تک نہیں کٹے گا. ہمارا ریکارڈ پوچھ رہے تمہارے دادا کہاں کے بولتے ہو, ہمیں ان کے دادا کی خبر کے پاس بلند چلیں گے. تمہارے بابا کا ایڈریس پیش کرو, کاہی تمہارے ڈانٹ گنگا میں بہ کر چلے گئے. اسی لیے اپنے بڑوں کو بچا کر رکھو, گنگا میں نہ بہاؤ. ہمارے سے ایڈریس پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے, ہم کہیں سے نہیں آئے, اسی ملک سے پیدا ہوئے ہیں, اسی ملک میں جی رہے ہیں. اللہ سعادت دے دے تو مکے میں مریں گے, اللہ نصیب کو سوار دے تو مدینے میں مریں گے, ورنہ ہم وہاں کا غلاف پکڑ کر بھی دعا کرتے ہیں کہ یہاں کی موت مقدر میں نہیں ہے تو ہندوستان کی موت عطا کرے. وہاں کا غلاف پکڑ کر ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم خالق الموت والحیات, اگر ان دونوں مقدس حصوں کی موت نہیں ہے تو ہم کو ملک ہندوستان کی موت عطا کر. کل حشر کے میدان میں ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی زمین سے اٹھے, ہم سے پوچھتے ہو محبت کا ثبوت. دوستو, ملک کی محبت کے لیے سبے تیار کر لو, ملک کی محبت کے لیے اپنی طاقت بنا لو. ملک کی حفاظت کرنا ہے, پہلے کچھ کام آپ کو کرنا ہے. موقع آ جائے تو آپ کو حفاظت کرنا پڑے گا. یہ کام تھا ہمارے بڑوں نے, ملک کو انگریزوں سے پاک کیا. اس وقت ہم ہندو بھائیوں کے ساتھ مل کر, دلت بھائیوں کے ساتھ مل کر, عیسائی بھائیوں کے ساتھ مل کر, سکھ بھائیوں کے ساتھ مل کر ہمارے ملک سے فرقہ پرستی کو پاک کرنا ہے, فرقہ پرستی سے ہمارے ملک کو صاف کرنا ہے. اس لیے مہاجر پور کے مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں, اللہ اس کے رسول کے ہو جاؤ, اللہ تبارک و تعالی ہمارا ہو جائے گا. جب اللہ ہمارا ہو جائے گا تو اس ملک کے حصے ہمارے ہو جائیں گے. نظام ماسٹر سے فراغت کے بعد لال بہادر شاستری صاحب کے پاس ہاتھ پکڑ کر خزانے کی طرف لے کر گئے اور کہنے لگے کہ بہت بڑا خزانہ دکھا کر آدیش کی طرف سے, مسلمانوں کی طرف سے, دکن کی طرف سے, حیدرآباد کی طرف سے, آگرہ اور تلنگانہ کی طرف سے, جنوب کی طرف سے. لال بہادر شاستری صاحب, ہماری طرف سے حقیر تحفہ قبول فرمائیے. وہ حقیر تحفہ کیا تھا معلوم ہے؟ وہ حقیر تحفہ 5,000 کلو سونا. وہ حقیر تحفہ کیا؟ 5,000 کلو سونا. نظام کے بعد سے لے کر اب تک میں پہلے کا سوال نہیں کروں گا. حیدرآباد کے نظام سمن, حیدرآباد کے نظام چہرم, ان کے 5,000 کلو سونا صاحب کیلکولیٹر کے پورے زیرو ختم ہو جائیں گے, حساب نہیں ملے گا. یہ گرام سونا کتنا معلوم ابور؟ ایک تولا سونا کتنا معلوم؟ کتنا؟ 40,000 روپے. اچھے دن اب سمجھ میں آیا؟ توجہ چاہتا ہوں. اب سمجھ میں آیا کہ کچھ لوگ اپنی تقریر میں کہتے ہیں بھائی بہنوں بیٹیوں کیوں نہیں کہا؟ آپ سمجھ میں آیا کہ ان کے بہنوں کا وقت ہو گیا شادی کا. بیٹیوں کو اس لیے نہیں کہا, ان کی شادیوں میں تولا 40,000 ہونے والا ہے. تولا سونا 1 کلو, 10 گرام کا 1 تولا. کتنے گرام کا؟ 10 گرام کا. 1 کلو کو کتنے گرام؟ 1,000 گرام. سارا دیوانہ ہو چکا. 1 کلو کو 1,000 گرام. کتنے کلو سونا دیے؟ 5,000 کلو. 5-10 گولڈ سے مٹی نہیں, مٹی نہیں رے بابا, سونا سونا. دس بات چلے گئی, بہت دور تک خرچ کر رہا تھا, مجھے معاف فرما دے, میں عنوان کو کاٹ دیا اس لیے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے.
बहुत अच्छा इकदाम आपने किया इन्हीं बादशाहों की बेमिसाल बादशाहों की फेहरिस्त में हजरत टीपू सुल्तान शहीद।